करते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खास खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। ग्राम सभा के विकास कार्य में सदस्य और मनरेगा मजदूर का अहम योगदान है, ये कहना है ग्राम प्रधान इंजीनियर प्रवीण सिंह का। वहीं जिले के हाटा तहसील में मोतीचक विकास खंड के पकड़ी ग्राम सभा हमेशा विकास कार्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है, जिसका मुख्य कारण वहां के ग्राम प्रधान इंजीनियर प्रवीण सिंह है। आपको बता दें कि मोतीचक विकास खंड का यह एक छोटा सा गांव है, जहां पर आज से 2.5 साल पहले ना तो कोई मूलभूत सुविधा थी, ना ही गांव में कोई जनता थी, मगर आज पकड़ी गांव में हर ओर मूलभूत सुविधाएं, जो एक संपन्न गांव बन गया। वहीं आपको बता दें, अपनी नौकरी छोड़कर ग्राम प्रधान इंजीनियर प्रवीण सिंह ने 2.5 साल के कार्यकाल में वो कर दिखाया जो अभी तक के कोई भी नहीं कर पाया, और ग्रामीण किस तरह से उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आइए डालते यूपी सब ब्यूरो चीफ एहतशाम जाफर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के इस चर्चित गांव पर। कार्य किया गया, मैं अंदर चाहूंगा दिखाने के लिए। देखिए ये बड़ा गेट भी लगा है, जैसे सेफ्टी रह सके अंदर का। मैं और आगे के नज़ारा दिखाऊंगा, मैं फोकस करें। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फील्ड है, और फील्ड भी बहुत काफ़ी अच्छा है और पूरा बाउंड्री है। क्योंकि मैं परवीन कुमार सिंह से भी जानना चाहूँगा, जो ग्राम प्रधान यहाँ के हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर, मैं अभी दिखा रहा हूँ उनको, ये रोड भी देख, रोड साइड से इधर ये फील्ड है। और साथ में ये भी दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैं कहूँगा कि ये दिखाएं, ये देख सकते हैं ये पूरा एकदम। यहाँ पर देखिए तालाब वालाब बकायदे अच्छा से बना हुआ है। और ये इनका, ये परवीन कुमार सिंह है, ये मोहताज नहीं है किसी पर्चे का, बल्कि फिर भी मैं बता दूं, इंजीनियर परवीन कुमार सिंह, इनके द्वारा बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है आर्मी का। और सर, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, ये जो कार्य हुआ है कितने वर्ष में इतना पूरा हुआ है? सबसे पहले आप लोगों का ग्राम सभा में स्वागत है, आपको और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा सर, ये 2.5 साल का कार्यकाल है सर, जो भी काम दिख रहे हैं आप, ये 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर ही हुआ है सर। सर, जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है, मैं देखता हूँ कभी कोई नाली रोड सब आपके द्वारा दिया जाता है, जो पात्र लायक है आवास के लायक उसको, और विधवा पेंशन जो भी आप देते हैं। साथ साथ कुछ दिन पहले मैं आप देखे थे का एक कोटदार है जो गलत कार्य करता था ग्रामीणों के साथ, उसको आपने वहाँ से निलंबित कराया। सर, ऐसा कार्य करते होंगे तो आपको धमकी तो मिलता ही होगा। सर, लोगों का सपोर्ट रहता है, प्रशासन साथ में है, और चूंकि गलत नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात का, बाकी धमकी उम की मिलता रहता है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर। जी सर, 2.5 साल लगभग हो चुका है, 2.5 साल में सर आपके द्वारा कितना विकास हुआ है, कितना ग्राम यहाँ का लोग प्रभावित हैं आपके कार्यों से? जैसा भैया बताएं, हम अपने तरफ से जो हो सकता है, जितना हो सकता है, ग्राम सभा में कार्य करने की कोशिश है, चाहे जिस मद से हो, जैसे भी हो, कोशिश किया जा रहा है ग्राम सभा में विकास कार्य हो। पहले ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन, खेल का मैदान, अमृत सरोवर, ग्राम सभा की जितनी जो आज तक कभी ईंट नहीं बिछाया गया था, खड़ंजा नहीं हुआ था, उसको RCC करवाया गया। SDM साहब और DM साहब की मदद से यहाँ पे पानी टंकी का भी प्रस्ताव हो गया, पानी टंकी देख रहे हैं बन भी रहा है, लगभग महीने डेढ़ महीने में पूरा भी हो जाएगा। बाकी सर 2.5 साल और बचा है, 2.5 साल में विकास जितना ग्राम सभा में हो सकते हैं किया जाएगा सर। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, सर आगे आपका लक्ष्य क्या है? सर अभी कुछ वैसा लक्ष्य नहीं है, बस तो लोगों की सेवा करना, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमेशा चैनल पर हमेशा दिखाते रहते हैं, जो देश की सेवा के लिए जुनून रखते हैं सर, उनकी सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। ये परवीन कुमार सिंह जो ग्राम प्रधान पकड़ी के हैं, एक मैं बता दूं सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके द्वारा जो बच्चों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो अभी दिया जा रहा है कुछ समाप्त कर दिया नहीं? नहीं, अभी भी चालू है सर, अभी मेडिकल हुआ है, मेरे कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में छट गए हैं, 16 बच्चों का रिटर्न निकाले थे सर, इसमें 7-8 बच्चों की फाइनल मेरिट आना बाकी है, इसमें आशा है कि सिलेक्शन। सर 2.5 वर्ष में, मतलब 2.5 वर्ष में अभी तक कितने बच्चे आर्मी में या पुलिस भर्ती में जा सकते हैं? सर पुलिस भर्ती नहीं, सिर्फ आर्मी पे ही फोकस रहता है, क्योंकि मेरी नज़र में आर्मी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश सेवा के लिए अपना जान निछार करने के लिए तैयार रहते हैं सब, जिनकी बदौलत हम लोग सुकून के नींद सोते हैं। ज़्यादा फोकस आर्मी में ही है। पहले साल हमारे ग्राम हमारे क्षेत्र के लगभग 4 बच्चे, इस बार 16 बच्चों का रिटर्न हुआ था, फाइनल मेरिट आना बाकी, आशा है इस बार भी अच्छे खासे बच्चे। तो मतलब लगभग कितना जा चुका है? लगभग 4 बच्चे तो सर्विस में है, पिछले वैकेंसी में, और इस वैकेंसी का भी फाइनल मेरिट आना बाकी है सर, तो
16 बच्चे निकाले थे हमारे देश से, अब फाइनल में रिटायर गए तो पता चलेगा कितने बच्चों का सिलेक्शन। सर ये बताइए जो पकड़ी ग्राम सभा के बच्चे हैं अदर ग्राम सभा के बच्चे नहीं? नहीं सर, पूरे क्षेत्र के बच्चे हैं, मतलब 8-10 ग्राम सभा से बच्चे आते हैं। सर कुछ जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अभी आयोजन हुआ है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, ग्राम देश का विकास हो रहा है, लेकिन राम जी के आने की खुशी सबको है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं उनके आदर्शों को भी लोग उतारें, जब तक आदर्शों का पालन नहीं करेंगे प्रभु श्री राम जी के कोई वैसा वो नहीं है, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। बाकी पूरा देश खुशी मना रहा है सर, हमको भी खुशी है। हमारे ग्राम सभा में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन मुस्लिम भाई भी लोग आए थे, मैंने सम्मानित किया सबको और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के खुशी जाहिर किया, और हम लोगों ने ठाना है कि जितना हो सकेगा अपने प्रभु श्री राम जी के आदर्शों पे भी हम लोग चला जाएगा। ये है इंजीनियर प्रवीण कुमार सिंह जो पकड़ी ग्राम प्रधान है, पकड़ी ग्राम सभा के प्रधान है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं ये रोड कितना साफ सुथरा स्वच्छ, और देख आप देख सकते हैं ये पानी भी देख सकते हैं, पानी भी यहाँ पर टंकी लगाया गया सबके द्वारा, और ये फील्ड है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पंचायत भवन है, कैमरा मैन चाहूँगा कि यहाँ पंचायत भवन दिखाएँ, ये फील्ड आप देख सकते हैं, ये फील्ड का मैदान बहुत अच्छा फील्ड है, अच्छा रंगा हुआ है, और पंचायत भवन भी है। पंचायत भवन ये इंजीनियर प्रवीण निर्मल सिंह के द्वारा ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया जो पकड़ी ग्राम सभा में है, और मैं अंदर को दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं ये टाइल्स बेहतरीन टाइल्स लगा, ये भी मजबूत, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है, ये 2 नंबर काम यहाँ पे नहीं हुआ है, जैसे कोई भी देखे तो कहे, देख सकते हैं इतना अच्छा काम और फिनिशिंग साथ हुआ है। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा, अंदर देख सकते हैं, अंदर ये कितना शानदार ये ऑफिस है, यहाँ सर बैठते हैं प्रवीण कुमार जी, आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, मैं कैमरा चाहूँगा सीसीटीवी कैमरा दिखाई सर, साइड साइड थोड़ा दिखाएं, ये देख सकते हैं ये कैमरा लगा हुआ है जो सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यकता है, और ये प्रवीण कुमार सिंह है। सर ये कैमरा लगाने का मकसद क्या है? सर ये सरकार की जरूरत है, हर पंचायत भवन में कैमरा लगे, सेफ्टी के लिए स्पोर्ट से बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम लगे होते हैं, चोरी की बहुत संभावना होती है, तो कैमरा सर बेहद जरूरी है, सरकार के जियो में है इसको लगाएंगे। सर ये पंचायत भवन है, यानी कोई भी ग्राम सभा में कोई भी दिक्कत समस्या होती है इसीलिए इसको बनाया जाता है, कोई यहाँ समाधान हो जाए। जी, सर अब तक 2.5 वर्षों में कितना यहाँ पर समाधान हुआ है? सर जो भी ग्राम सभा की बैठक होती है पंचायत भवन पे ही होती है, हर 2 महीने पर हम खुली बैठक करते हैं पंचायत भवन पे, और चूंकि हमारे यहाँ के जो कोटेदार हैं सस्पेंड हुए हैं, अभी निरस्त भी हो गए पिछले महीने, तो दूसरे ग्राम सभा में लोगों को न जाना पड़े पंचायत भवन।